वेलकम बैक टू एवी क्लासेस। मेरा नाम है अमन वर्मा, आई एम अ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। आज हमारी क्लास सेकंड लेक्चर है, चैप्टर चल रहा है एनपीओ 12th क्लास वॉल्यूम 1। ठीक है, जो हमने कल बात की थी, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ जा कर के देखिए। यहाँ पर आज की क्लास में देखो, प्रीवियस में हमने बात किया रिसिप्ट एंड पेमेंट के बारे में, आज हम बात करेंगे तीनों के तीनों अकाउंट के बारे में, और तीनों को मैच करने की कोशिश करेंगे, आपस में कनेक्ट करेंगे, जिससे कि आपको फुल आइडिया आ जाए कि हाँ किस तरीके से प्रिपेयर करना है। देखिए, ये वो चीज़ है जो आप कर चुके हो, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा चेंजेस के साथ आ रही है। 11th क्लास में जो आपने फाइनल अकाउंट किया है ना, उसको ध्यान रखिए बस। अगर आपको वो चीज़ अच्छे से आता है ना, तो आप इजीली इसको कवर कर लोगे। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट यहां पर फॉर्मेट आपको पता है, रिसीप्ट्स अमाउंट पेमेंट अमाउंट। फिर इसी तरह से आपको एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यहां पर आएगा आपका एक्सपेंडिचर अमाउंट इनकम अमाउंट। फिर आपकी एक क्रिएट होती है बैलेंस शीट, बैलेंस शीट एज ऑन डेट आ जाएगी आपकी। फॉर्मेट आप बहुत अच्छे से जानते हो बैलेंस शीट का, लाइबिलिटीज अमाउंट एसेट्स अमाउंट। ठीक है, ये तीन अकाउंट। देखिए होता क्या है, क्वेश्चन में आपको मोस्टली टाइम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया रहेगा, और उसके बेस पर आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट को क्रिएट करना होगा। ये बात आप ध्यान से रखिएगा। कल हमने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को पढ़ा था, मैंने बताया था जस्ट लाइक अ कैश अकाउंट, पैसा आया टू साइड, कोई भी पैसा रिसीव हो रहा है कैश बेस पर क्रिएट किया जाता है, पैसा पेमेंट गया पे हो रहा है, पैसा आपकी पॉकेट से जा रहा है बाई साइड आ जाएगा, इतना सिस्टम चलता है बस रिसिप्ट एंड पेमेंट में। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा ब्रीफली बात की जाएगी किस तरीके से। जैसे कि आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, जस्ट लाइक पी एंड एल, जैसे आप पी एंड एल बनाते थे ना, पी एंड एल में ये आपकी टू साइड, ये आपकी बाई साइड, टू साइड बाई साइड, बाई साइड में ऑलवेज यहां पर आता है आपका रिवेन्यू, और आएगा सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर का, बिकॉज यहां पर एक्रूअल कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है कि आप सिर्फ और सिर्फ ट्रांजेक्शन करंट ईयर की ही शो करोगे। यहां पर आपके आते हैं एक्सपेंसेस करंट ईयर, बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड आपको पता है यहां पर स्टार्टिंग में क्या आता है, आपका कैपिटल आती है, तो देखिए कैपिटल, और इसके बाद कैपिटल यहां पर आने के बाद कैपिटल में आप सरप्लस ऐड करोगे, अगर सरप्लस नहीं है तो, अगर डेफिशिएंसी आती है तो उसको माइनस किया जाएगा। अब ये दोनों चीजें हैं क्या चीज, इसके बारे में थोड़ा ब्रीफली बात करेंगे अभी, और यहां पर बाकी आपकी क्या चीज आती है, जो भी आपकी अदर लाइबिलिटीज हैं वो सब आ जाती है। एसेट साइड में आपको पता ही है कि यहां पर एसेट्स आती हैं,
और टोटल आता है इसका इक्वल, तो तब जा करके आपकी बैलेंस शीट क्रिएट होती है। देखिए नॉर्मल सी चीज़ है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर टू साइड एक्सपेंस आते हैं, बाई साइड आपका रिवेन्यू आता है, बैलेंस शीट कैपिटल लाइबिलिटी, लाइबिलिटी साइड एसेट साइड में आपकी एसेट्स आती है। अब बात आती है ये जो चार टाइप का डेटा, एक्सपेंस रिवेन्यू कैपिटल लाइबिलिटी एसेट्स, ये आएगा कहाँ से? देखिए फाइनल अकाउंट में तो आप बनाते थे ट्रायल बैलेंस, वहाँ से आपको डेटा शो होता था, लेकिन यहाँ पर आपका आता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की जो आपकी टू साइड होती है ना, उस टू साइड में आपको क्या क्या देखने के लिए मिलेगा? यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा रिवेन्यू और लाइबिलिटीज। इधर आपका एक्सपेंसेस और आपकी एसेट्स। अब ऐसा कैसे, समझिए आपको कोई पैसा रिसीव हो रहा है, आपको रिवेन्यू आपकी इनकम में पैसा आता है, तो इसलिए यहां पर दूसरी चीज लाइबिलिटी। कैसे, आपने लोन लिया, पैसा आ रहा है, पैसा आना यानी कि टू साइड में शो करना, तो एक तरीके से लाइबिलिटी भी आपको वहीं पर शो होगी। यानी कि जब आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का टू साइड देखोगे तो वहां से डेटा आपको कहां कहां पर लिखना है, इनकम एक्सपेंडिचर के बाई साइड में और बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड में। इस चीज को अपने माइंड में सेट कर लीजिए। देखिए बहुत ही स्ट्रेटेजी बना करके वर्क कीजिए, रट्टाफिकेशन बिल्कुल भी मत कीजिए, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेटेजी पर चलते रहिए। जैसे जैसे बताया जा रहा है उसको नोट कीजिए, प्रैक्टिस कराई जाएगी क्वेश्चंस की, उसी हिसाब से कीजिएगा। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों टाइप के बैचेस में हैंडल करता हूँ। अगर आपको ऑनलाइन बैचेस पढ़ने हैं तो आप डिटेल देख सकते हो, मेरी कॉन्टैक्ट नंबर है, आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बात करते हैं पेमेंट। यहाँ पर आपका एक्सपेंस और एसेट्स, भाई आपने कोई सैलरी पे करी है तो इधर ही तो जाएगा, कोई एसेट्स परचेज करी तो पैसा जा रहा है तो भी तो इधर ही आ रहा है ना, तो इसलिए एक्सपेंस और एसेट्स आपको इधर ही मिलने वाली है। यानी कि आपको बाई साइड का डेटा किधर लिखना होता है, बाई साइड का डेटा आप लिखते हो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के टू साइड में और आपका बैलेंस शीट एसेट साइड में। इस तरीके से सिस्टम चलता है, ठीक है? आपको पता है आपके पी एंड एल में नेट प्रॉफिट और नेट लॉस आता था, इसी तरह से है ना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड में अगर टू साइड में बैलेंस बचता है तो इसको नाम दिया जाता है सरप्लस। समझ में आ गई ना बात, कैपिटल में सरप्लस क्यों ऐड किया था? अगर बाई साइड में बात आती है तो बाई में बोला जाता है डेफिशिएंसी, लॉस, और वो कैपिटल में क्या हो जाएगा आपका, माइनस। ठीक है, देखिए बात आती है ना एक, अभी उस बारे में बाद में बात करेंगे, अभी नहीं, बस बात करते हैं यहाँ पर। यहाँ पर आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट, ये तीनों का सिस्टम पता चल गया है ना किस तरीके से होता है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर के नोट्स क्रिएट कर सकते हो, ठीक है? तो इस तरह की चीजें चलती हैं आपकी रिसिप्ट पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट में। यहाँ पर एडजस्टमेंट भी आएंगे, देखो फाइनल अकाउंट की बात हो रही है तो एडजस्टमेंट भी आनी ही है। और एडजस्टमेंट पांच मेन एडजस्टमेंट के बारे में बात करूंगा जो यहाँ पर यूज होने वाली हैं, तो चलिए इसी क्लास में हम अपनी एडजस्टमेंट को भी कवर कर लेते हैं, ठीक है गाइस? पूरी क्लास देखिए बहुत तरीके से, आपके पास बहुत टाइम है, 6 to 7 month में अच्छे से 12th क्लास का जितना भी सिलेबस है प्रिपेयर कर लीजिए, उसके बाद उस अपना बाकी सारा टाइम रिवीजन में दीजिए। देखिए फर्स्ट एडजस्टमेंट है हमारी आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। इसी के साथ में एक एडजस्टमेंट को और कनेक्ट करना चाहूंगा जिसका नाम होता है एक्रूड इनकम। देखिए जिस तरह से एक कॉइन के दो साइड होती है ना और दोनों ही यूज होती हैं, तो इसी तरीके से यहाँ पर आउटस्टैंडिंग और आपका एक्रूड दोनों ही बिल्कुल सिमिलर सी चीजें हैं।
और बहुत ध्यान से समझिएगा इनको आप। देखो बात ऐसी है, आउटस्टैंडिंग, एक पर्सन है मिस्टर ए और एक पर्सन है मिस्टर बी, ठीक है। मिस्टर ए मिस्टर बी के पास गए, ठीक है। इनका होटल है, क्या है इनका, रेस्ट्रो है। रेस्ट्रो में जाकर के मिस्टर ए ने फूड कंज्यूम किया, ठीक है। देखिए मिस्टर ए मिस्टर बी के यहाँ पर जाकर के फूड कंज्यूम कर रहे हैं। मिस्टर ए ने ₹500 का फूड कंज्यूम कर लिया। मिस्टर ए ने कितने रुपए का फूड कंज्यूम किया, ₹500 फूड कंज्यूम बाई मिस्टर ए। तो फूड जैसे ही कंज्यूम कर लिया, मिस्टर ए का एक्सपेंस तो हो गया ना 500 का, कि भाई हाँ मैं ₹500 का फूड कंज्यूम कर चुका हूँ। तो मैंने एक्चुअल में, देखो खर्चा करना और पेमेंट करना दोनों डिफरेंट चीज़ें होती हैं, बड़े ही ध्यान से समझिए। आपने कंज्यूम कर लिया फूड, फूड जैसे ही आपने कंज्यूम करा, मिस्टर ए का एक्सपेंस, जो इनका एक्सपेंस है वो कितना हो गया है 500। बात की जाए अदर साइड मिस्टर बी की, मिस्टर बी ने एक तरीके से फूड सप्लाई किया टू मिस्टर ए ₹500, तो एक तरीके से इनकी इनकम अर्न हो गई, इनकम अर्न। देखिए इनकम अर्न करना और रिसीव होना दोनों ही चीज़ें डिफरेंट होती हैं, बड़े ही ध्यान से समझिए। मिस्टर ए ने फूड कंज्यूम करा 500 का, पैसे का कोई लेन देन नहीं है, तो एक्चुअल में एक्सपेंस हो चुका है। मिस्टर बी ने फूड सप्लाई करा मिस्टर बी को, मिस्टर ए को, तो मिस्टर बी यहाँ पर ₹500 एक तरीके से अर्न कर चुके हैं। उनका राइट आ गया है कि वो मिस्टर ए से अपने ₹500 मांग सकते हैं कि भैया आपने इतने रुपये का फूड कंज्यूम किया है, तो प्लीज़ पे टू मी। तो यहाँ पर बात क्या होगी कि भैया एक्सपेंस हो गया बट पे नहीं करा, एक्सपेंस अकर्ड बट नॉट पेड, डेट इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। क्या मतलब है, एक्सपेंस इनकर्ड बट नॉट पेड, डेट इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। क्लियर है बात। बात आती है इनकम की, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड, तो डेट इज कॉल्ड एक्रूड इनकम। इस बात को ध्यान रखिएगा बड़े ही तरीके से, ठीक है। आउटस्टैंडिंग, देखो आपने कोई खर्चा किया अभी तक पे नहीं करा, तो आपकी लाइबिलिटी है एक तरीके से, क्योंकि आपको इन फ्यूचर जिसका पैसा पे करना होता है वो आपके लिए लाइबिलिटी क्रिएट होती है। क्लियर है। आपने एक्सपेंस तो कर दिया ना, तो एक्सपेंस तो इंक्रीज हो रहा है, तो आप एंट्री क्या मेंटेन करते हो, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट, ठीक है गाइस। तो एक तरीके से एक्सपेंस में तो ले जा करके प्लस करना होता है आउटस्टैंडिंग को, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को बैलेंस शीट में कहाँ पर शो करना होता है, लाइबिलिटी साइड। ये आपको दोनों ही चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि बैलेंस शीट में वो आपका इनकम एक्सपेंडिचर में और बैलेंस शीट में कहाँ कहाँ पर जाना है। ये ऐसे ही अगर हम बात करें एक्रूड इनकम की, तो एक्रूड इनकम में इनकम अर्न कर लिए बट रिसीव नहीं हुई, तो आपका राइट आ गया उस इनकम पर। जिस पर आपका राइट होता है वो आपकी एसेट्स क्रिएट होती है, ठीक है। तो यहां पर एक्रूड इनकम डेबिट होगा अकॉर्डिंग टू रूल, एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट, ठीक है। तो यहां पर एक तरीके से इनकम में प्लस किया जाएगा और एक्रूड इनकम को किधर शो किया जाएगा, बैलेंस शीट एसेट साइड। तो ये आपका एडजस्टमेंट होती है दोनों की दोनों, आपको बहुत तरीके से समझ में आ गई है।
बहुत ही इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट है, ध्यान रखिएगा। मैं अलग अलग टॉपिक लेकर के चलूंगा इसके ऊपर, एक ही अलग से ही क्लास बनेगी एडजस्टमेंट वाले जितने भी पॉइंट हैं जहाँ पर यूज़ की जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं। स्पेशली 1 मार्क्स मिलता है उस ट्रांजेक्शन पर जिसके बारे में हम बात करेंगे इन फ्यूचर में। ठीक है गाइज, अभी आज हमने सिर्फ ये दो एडजस्टमेंट करी है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और बैलेंस शीट के बारे में हमने तरीके से पढ़ा है। इसी तरीके से हम छोटी छोटी क्लासेस रखेंगे 15 to 20 मिनट्स, इसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बहुत टाइम है हमारे पास, स्लोली स्लोली चलेंगे तो चीज़ें समझ में आएंगी आपको, आपके ऊपर भी ज़्यादा प्रेशर नहीं होगा। इनको अच्छे से रिवाइज कीजिए, करते रहिए। कोई भी क्वेरी आती है तो प्लीज़ कमेंट टू मी, और क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, आपसे कल मिलते हैं जल्दी ही।